दोस्तों, हम कभी न कभी ज़रूर थकान महसूस करते हैं और अक्सर हम उस थकान का कारण भी पहचान पाते हैं। हम आराम करते हैं और थकान दूर हो जाती है, मगर कुछ लोगों के लिए थकान गंभीर परेशानी बन जाती है। थकान बहुत समय तक रहने से या बहुत ज़्यादा थकान होने से हम कुछ और काम कर ही नहीं पाते, जिसके कारण हम जीवन का आनंद उठा नहीं पाते। हर 5 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा थकान महसूस करता है और 10 में से एक व्यक्ति की थकान लंबे समय तक चलती है। पुरुषों से ज़्यादा शिकायत महिलाओं में यह अधिक पाई जाती है। थकावट किसी भी उम्र में हो सकती है। हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि हमें थकावट किन कारणों से होती है और अपने शरीर को तरोताज़ा रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हमें उन कारणों को पहचानना चाहिए जिनकी वजह से थकान होती है। जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वह अगर अभी तक आपने आपके अपने चैनल हेल्थ टुडे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि डाली गई हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आपका हर रोज का भोजन आपको शक्ति प्रदान तो करता ही है, पर भोजन में ऐसी चीजें जो आपको नुकसान पहुंचा रही हैं उन पर आप ध्यान नहीं देते। यदि खान पान में अनियमितता बरती जाए तो शरीर में आयरन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर में थकावट महसूस होती है। इससे बचाव के लिए आपको आयरन युक्त भोजन लेना बहुत अधिक आवश्यक होता है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही तब भी आप थकान महसूस कर सकते हो। इससे बचने के लिए देर तक कंप्यूटर पर काम ना करें, ज़्यादा रात में टीवी ना देखें और मोबाइल का प्रयोग कम से कम करें। अगर आपका वजन सामान्य से ज़्यादा या सामान्य से कम है तो भी आप थकान से ग्रसित हो सकते हैं। मानसिक तनाव भी शारीरिक रूप से थकावट महसूस करने का एक प्रमुख कारण है। तनाव से ग्रसित व्यक्ति बहुत ज़्यादा थकान, सिर दर्द और कमजोरी महसूस करता है। अगर आप किसी मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं तो अपना तुरंत इलाज करवाएं। थायराइड ग्रंथि के ठीक से काम न करने के कारण भी थकान होती है। थायराइड की समस्या होने पर मेटाबॉलिज्म का स्तर बढ़ जाता है और शरीर में ऊर्जा का स्रोत कम हो जाता है। अगर आप मादक पदार्थों जैसे कैफीन, अल्कोहल, सिगरेट, ड्रग्स आदि का सेवन करते हैं तो आपको थकान हो सकती है, अतः इनके सेवन से आप परहेज करें। इनके अधिक सेवन करने से ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन तेज होती हैं, जिससे जल्दी थकान हो जाती है। मधुमेह व हृदय रोगियों को भी थकान की समस्या ज़्यादा रहती है। इनको चाहिए कि डॉक्टर से अपना नियमित इलाज लेते रहें और हल्का व्यायाम जरूर करें। अपनी थकान को दूर करने के लिए आपको मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, आयरन आदि पोषक तत्वों से युक्त आहार लेना चाहिए। खाने में ताजे फल, साबुत अनाज और सब्जियों का सेवन अधिक से अधिक करें। अच्छी नींद लेनी चाहिए, लेकिन दिन में सोना धीरे धीरे कम करना चाहिए। नियमित व्यायाम करना चाहिए। कैफीन का सेवन कम से कम करना चाहिए। अपने वजन को नियंत्रित रखना चाहिए। संतुलित आहार का सेवन आपको करना चाहिए। मानसिक संतुलन को बनाए रखें एवं मादक पदार्थों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। इस प्रकार के तरीके बताकर हम थकावट की समस्या से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, हमने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ऐसी बातें बताई जिनकी वजह से शरीर में थकावट होती है। आपने इनमें से पहचान करनी है कि जिस वजह से आपको थकान की समस्या होती है
और उस समस्या का समाधान आपको करना होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें व चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।